यही जवाब सौरभ आपसे मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगा, क्योंकि इसी को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि सुबह जिस तरह से गुपचुप तरीके से ये रिहाई हुई है, कैसे माने कि ये जो रिहाई हुई है ये थोड़ा एक रणनीतिबद्ध हुई है, गुपचुप तरीके से हुई है? आप थोड़ा बताएं दर्शकों को। जी बिल्कुल रवि, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि बिल्कुल रिहाई जो हुई है गुपचुप तरीके से हुई है। हालांकि बाद में ऑफिशियली ये कहा गया कि 6:15 बजे उनकी रिहाई हो गई है। हालांकि कागजी जो कार्रवाई थी वह कल शाम को ही और देर रात खत्म हो गई थी, और उसके बाद आज सुबह 6:15 बजे उनकी रिहाई हमेशा के लिए सहरसा जेल से हो चुकी है। हम आपको सबसे पहले एक बड़ा सा जो होर्डिंग लगा हुआ है सहरसा के हर चौक चौराहे पर, उसको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि इस होर्डिंग में आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है सुस्वागतम शेरे बिहार, सत्य परेशान हो सकता है पराजित नहीं। आज का डेट दिया हुआ है और ये भी लिखा हुआ कि शेरे बिहार के रिहाई पर लाखों की संख्या में सहरसा चले। यानी पहले ये तैयारी थी कि सभी जो चाहने वाले हैं, यानी आनंद मोहन के जो लोग हैं उनके चाहने वाले हैं, वो जेल पहुंचेंगे और उसके बाद करीब 10:15 बजे यानी 10 बजे के बाद उनकी रिहाई होगी, और यहां से अपने लोगों के साथ आनंद मोहन रोड शो करते हुए यहां से 15 किलोमीटर की दूरी पर उनका पैतृक गांव है वहां जाएंगे, वहां पर पूजा करेंगे और वहीं पर एक जनसभा को संबोधित करेंगे। ये सारे कार्यक्रम पहले से तय माना जा रहा था, लेकिन पिछले 2 दिनों से जो विवाद हो रहा है उसको देखते हुए रिहाई भी गुपचुप तरीके से हुई, और अभी आनंद मोहन कहाँ है इसकी जानकारी किसी को नहीं है। उनके जो लोग हैं उन्होंने अपना मोबाइल बंद कर रखा है। अब अभी एक नई बातें सामने आ रही है कि आनंद मोहन फिर से, यानी सहरसा का एक आम्बेडकर चौक है वहां पर आएंगे करीब 1:30 बजे, दोपहर में 1:30 बजे आएंगे और वहां पर आम्बेडकर मूर्ति ठीक है, ठीक है, ठीक है सौरभ, करेंगे सौरभ लौटेंगे आपके पास दोबारा अपडेट के लिए। तो अपने आप में ये बड़ा सवाल यहाँ पे हो जाता है कि मेरे सहयोगी सौरभ जिस तरह से बता रहे थे इस पूरे मामले को लेकर कि किस तरह से जश्न का माहौल बनाया जाना था, इसको लेकर पूरी तैयारी थी, रोड शो होना था, लेकिन फिलहाल वो टाल दिया गया है। दीपक झा पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ बने। दीपक, आखिर में आपसे मैं जानना चाहूंगा, ठीक है कैदी की रिहाई हो रही है, सजा काटा, उसको लेकर एक नियम बना, वो हो सकता है, लेकिन जब वो बाहर निकल रहे हैं, पोस्टर लगे हुए हैं, सत्य पराजित नहीं हो सकता, देरी हो सकती है, एक रॉबिन हुड की जो एक इमेज है उसको बनाया जा रहा है आनंद मोहन को लेकर, और बताया जा रहा है कि वो ही। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।